किसान भाइयों, इस पेड़ की जो जड़ होती हैं, उन जड़ों को काट कर उसकी चाय बनाकर आप इसका सुबह शाम सेवन करें। इसके सेवन करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होगी। अगर आपके शरीर में कहीं भी दाद खाद खुजली है तो आप इसकी पत्तियों को पीस कर उसका लेप करने से आपके शरीर में दाद खाद खुजली दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, सर्दी के समय में आप अपने खेत के आसपास ये पौधा जरूर देखे होंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशुतोष द्विवेदी, जिला फतेहपुर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, हमारे पीछे आप ये जो पौधा देख रहे हैं, ये सोनचस का पौधा है। तो हम आपको आज सोनचस के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने ये जो पौधा है, ये सोनचस का पौधा है। किसान भाइयों, सर्दी के समय में आप अपने खेत के आसपास ये पौधा जरूर देखे होंगे। सर्दी के समय पे यह आमतौर पर आपके खेत के आसपास उगाता है, परंतु आपको इसके औषधीय लाभ व गुणों के बारे में जानकारी नहीं होती तो आप इसको एक खरपतवार समझकर उखाड़ कर अपने खेत से फेंक देते हैं। परंतु किसान भाइयों, यह बहुत ही औषधीय गुणों वाला पौधा है और यह पौधा आपके खेतों में आमतौर पर देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इसकी जो लंबाई होती है वो 30 से 100 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। बात किसान भाइयों, इसका जो तना होता है वो अंदर से खोखला होता है। तना को तोड़कर अगर आप देखेंगे तो इसका तना अंदर से खोखला होता है। इसमें जो फूल आते हैं वो देख सकते हैं, पीले रंग के फूल आते हैं और गुच्छों में ये फूल आते हैं। देख सकते हैं कितने गुच्छे हैं इसके फूल में। किसान भाइयों, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ये कड़वी होती हैं, परंतु इसकी जो नई पत्तियाँ होती हैं वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट एवं कड़वी नहीं होती हैं। परंतु इसकी जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं, देख सकते हैं ये हमारे सामने पुरानी पत्तियाँ हैं और ये पौधे में कुछ नई पत्तियाँ निकली हैं। अगर आप पुरानी पत्तियों को खाएंगे तो ये बहुत कड़वी रहेंगी, अगर आप नई पत्तियों को खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट रहेंगी। इनकी पत्तियों का इस्तेमाल बहुत से लोग सलाद के रूप में भी करते हैं। किसान भाइयों, अगर इनकी पत्तियों को आप उबाल कर सेवन करते हैं तो इनकी पत्तियों का जो कड़वापन होता है वो स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। तो आप जब भी इसका प्रयोग करें, इसकी पत्तियों का प्रयोग करें, तो इनको उबाल कर ही प्रयोग करें, नहीं आपको कड़वाहट का सामना करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर अपने सूजन को दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी पत्तियाँ लेना है। पत्तियों को लेने के बाद इनको सरसों का तेल लगाकर तवा में गर्म करना है। हल्का हल्का गर्म करने के बाद जहाँ भी आपके सूजन है आपको वहाँ पे इसको चिपका लेना है, जिससे आपको सूजन में बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद किसान भाइयों, ये आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, अगर आपका शरीर खतरनाक बीमारियों से लड़ने में सक्षम है तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपके शरीर में क्षमता नहीं है, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में नहीं पाई जाती है, तो आप बहुत ही बीमार रहेंगे। तो आपको ध्यान देना है किसान भाइयों कि आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे। किसान भाइयों, इस पेड़ की जो जड़ होती हैं, उन जड़ों को काट कर उसकी चाय बनाकर आप इसका सुबह शाम सेवन करें। इसके सेवन करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, यह सोनचस का पौधा आप लोगों के लिए त्वचा रोग में भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दाद खाद खुजली है तो आप इसकी पत्तियों को पीस कर उसका लेप करने से आपके शरीर में दाद खाद खुजली दूर हो जाएगी। उसके बाद हड्डियों के रोग के लिए भी यह सोनचस का पौधा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। किसान भाइयों, इस सोनचस के पौधों की पत्तियों में कैल्शियम एवं विटामिन बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अगर इनकी पत्तियों का प्रयोग आप सलाद के रूप में अपने भोजन के साथ करेंगे तो यह आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा। किसान भाइयों, सोनचस का पौधा आपको लीवर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। अगर आपके शरीर में फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है तो किसान भाइयों, आप इसकी पत्तियों को साग के रूप में इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर उपस्थित हानिकारक फैटी एसिड को दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये सोनचस का पौधा आपको किडनी रोग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। यह मूत्रवर्धक पौधा भी है, आपके शरीर में उपस्थित सभी हानिकारक पदार्थों को आपके शरीर से दूर करता है। उसके अलावा
किसान भाइयों, अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, अगर आपका खाया हुआ खाना नहीं पच रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल सलाद के रूप में करें। अगर सलाद के रूप में करने में आपको ये कड़वा लगता है, तो आप इसको पानी में उबालकर अपने निजी जीवन में अपनाएं, जिससे आपको यह कब्ज में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। किसान भाइयों, अगर आप लोगों में से कभी किसी ने सोनचस के पौधों का उपयोग किया है, तो कृपया हमें आप ये ज़रूर बताएं कि आप इनके पौधों का उपयोग किस रूप में किए हैं, और आपको कौन सी बीमारी थी, और यह कौन कौन से और बीमारियों के लिए लाभदायक हैं। अभी इस वीडियो में हमने आप लोगों को सोनचस के पौधे के औषधि गुण व लाभ बताए। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी सोनचस के पौधे के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण गुण व लाभ जान सकें। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।